ये तो हम सभी जानते हैं कि फल फूल और हमारी अच्छी सेहत का रिश्ता बेहद गहरा है, लेकिन व्यवसायिक नज़रिए से अगर देखें तो फल उत्पादन आपके लिए खूब फायदेमंद भी हो सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, अपने बगीचे से उत्पादित हुए फल को बाजार में बेचकर आप मोटी रकम भी कमा सकते हैं। हो सकता है कि इस फिल्म को देखने वाले अधिकांश किसान भाइयों के पास खुद के बगीचे हों, जिसमें आप आम, अमरूद, केले, पपीते या फिर लीची उगा रहे हों, लेकिन उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि वृक्षों से ताउम्र मुनाफा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बाग वैज्ञानिक विधि से ही लगाएं। तो चलिए अपने इस फिल्म के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से नए बागों की स्थापना की जाए, साथ ही साथ उसके देखरेख के बारे में भी हम आपको बताएंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाग लगाने के पहले सही जगह, सही किस्म का चुनाव, भूमि का रेखांकन, गड्ढा खोदने व भरने की क्रिया, पौधा लगाने के तौर तरीके आदि को ठीक से समझना बेहद जरूरी होता है। कई बार बाग लगाने में लापरवाही बरतने के कारण खर्च के बावजूद अत्यधिक उत्पादन नहीं मिलने से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप बाग लगाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां फलों को बेचने, बगीचे के लिए उर्वरक, यंत्र या फिर दवाइयां उपलब्ध कराने में सुविधा हो। ध्यान रहे, अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करने के बाद बारी आती है बाग को रेखांकित करने की। जी हाँ, जिस खेत में बाग लगाना हो उसकी 2 से 3 गहरी जुताई करने के बाद पाटा चलाकर खेत को पहले समतल कर लें। सटीक रेखांकन वही समझा जाता है जिसमें हर एक पेड़ को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। रेखांकन की कई विधियां हैं जिसकी बारीकियों को समझकर आप सुविधानुसार कोई भी एक विधि का चुनाव कर सकते हैं।